डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। एक हथिनी की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर लोग हथिनी के कार्टून शेयर कर अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही दोषियों को सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी जानवर को अपने मनोरंजन के लिए सताया गया हो। ऐसे केस आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इस खबर ने देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि सरकारें भी अब जाग उठी हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का दिलासा दे रही हैं, लेकिन डर है कि लचर व्यवस्था के आगे कहीं न्याय अपने घुटने ना टेक दे। ये तो हमारे देश का हाल है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां एक जानवर की जान की कीमत उतनी ही अहम है जितना कि एक इंसान की। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही उन देशों के बारे में जहां जानवरों को यूं ही परेशान नहीं किया जाता। हांगकांग। हांगकांग के पशु कल्याण कानून में फूड एनिमल, साथी जानवर और प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के साथ हो रहे बर्तावों पर खास ध्यान रखा जाता है। इन जानवरों के प्रति उपेक्षा, दुरुपयोग, अनुचित परिवहन और लड़ाई के रूप में इनका प्रयोग करना दंड की श्रेणी में आता है। पशु कल्याण कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जानवरों से बुरा बर्ताव करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2,00,000 हांगकांग डॉलर यानी तकरीबन 19,00,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। डेनमार्क। डेनमार्क का पशु संरक्षण कानून ये सुनिश्चित करता है कि जानवरों की हत्या ना हो। हाल ही में डेनमार्क के पशु संरक्षण कानून में बदलाव किया गया और धार्मिक मूल्यों को दरकिनार कर जिंदा पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी गई। इस देश के कानून में पशुपालन में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के लिए विशेष प्रस्ताव है, जिसके तहत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की निर्दयता न हो। स्वीडन। स्वीडन अपने देश के हर जानवर को कानूनी सुरक्षा देता है। यहाँ घरेलू पशु की हत्या या बलि नहीं दी जा सकती। यही नहीं, स्वीडिश जानवर और देशों के मुकाबले एक बेहतर वातावरण में जीते हैं। स्वीडन में मवेशियों और सुअरों को भूसा खिलाना और गर्मी के महीनों में दुधारू पशुओं को बाहर चराने ले जाना अनिवार्य है। नीदरलैंड। नीदरलैंड में पशु कल्याण अधिनियम में क्रूरता रोधी नियम और पशु देखभाल की प्रावधान को अहम माना गया है, जिसमें खेत के जानवरों को शामिल किया गया है। इस देश में एप्स यानी महावानर पर किसी भी तरह का प्रयोग करने पर मनाही है, साथ ही जानवरों पर किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक टेस्टिंग करना भी कानून का उल्लंघन माना गया है। जर्मनी। जर्मनी के संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्य भविष्य की पीढ़ियों के हित में जीवन और जानवरों की प्राकृतिक नींव की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। इसी प्रकार जर्मनी यूरोपियन यूनियन का ऐसा पहला देश है जिसने पशु सुरक्षा को अहम मुद्दा मानते हुए अपने संविधान में जगह दी है। इसी वजह से यहाँ जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दंडनीय माना गया है। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पशु कल्याण कानून में जानवरों के साथ क्रूरता और उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान है। यहाँ जानवरों के साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार दंडनीय माना गया है। अगर आप कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह का जानवर पालने पर मनाही हो सकती है, 51 हफ्तों के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और 20,000 पाउंड यानी तकरीबन 19,00,000 रुपए तक का फाइन भी आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने जानवरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। 1992 में स्विट्जरलैंड जानवरों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना था, जिसमें प्राणी की गरिमा के संरक्षण का प्रावधान था। जिन गतिविधियों को जानवरों की गरिमा के लिए अपमानजनक माना जाता है उन्हें कानून द्वारा मना किया गया है। स्विस सरकार कुछ जानवरों को सामाजिक जानवर के रूप में भी पहचानती है और उन्हें जोड़े के रूप में रखने का आदेश देती है। एक कुत्ते को भौंकने से रोकना भी यहाँ गैर कानूनी माना जाता है और जानवरों को पालने वाले व्यक्ति को अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने के लिए क्लासेस लेना जरूरी होता है। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन एनिमल वेलफेयर एक्ट 2004 के तहत ये कहा गया है कि जानवरों के संरक्षण और भलाई को भी उसी तरह देखना और महत्व देना चाहिए जिस तरह मानव जाति के हितों को देखा और समझा जाता है। ऑस्ट्रिया का जानवरों के प्रति क्रूरता रोधी कानून सबसे कड़े कानूनों में से एक है। ये कानून पालतू जानवरों के मालिकों को उनके कुत्ते के कान या पूंछ काटने से रोकता है, किसानों को मुर्गियों को पिंजड़े के अंदर रखने से मना करता है और पेट शॉप की खिड़कियों से पिल्ले और बिल्ली के बच्चों को झूलते हुए ना दिखाई दे ये भी सुनिश्चित करता है।
इसमें से किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर $2,420 यानी तकरीबन 1,80,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। अगर आपने बेहद क्रूर तरीके से किसी भी जानवर के साथ बर्ताव किया है तो आपको $18,160 यानी तकरीबन 14,00,000 रुपए भरने पड़ सकते हैं। अमर उजाला.com